सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी राम भुवाल निषाद पर दर्ज हुआ मुकदमा। इसौली विधायक ताहिर खान पर दर्ज हुआ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा। मुख्य विकास अधिकारी ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि। धनपतगंज थाने में दर्ज हुआ विधायक और सपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर धनपतगंज थाने में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी राम भुवाल निषाद और इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि धनपतगंज थाना क्षेत्र के पीरो सरैया गांव के पंचायत भवन में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी राम भुवाल निषाद ने बिना परमिशन के इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान के साथ बैठक और यात्रा की है, जिसकी शिकायत पर आरओ ने जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर थाना धनपतगंज में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी पुष्टि थाना अध्यक्ष पंडित त्रिपाठी ने की है। सुल्तानपुर से यह खबर हमारे संवाददाता एडवोकेट अंकुश यादव के साथ सरफराज ने कवर की है। सरैया ग्राम पंचायत का मामला है, जहां हमको शिकायत मिली थी कि वहां पर बिना परमिशन के यात्रा व बैठक करी गई है, जिसकी जांच एआरओ द्वारा कराई गई। एआरओ की जांच में इसकी पुष्टि हुई, जिसके तहत उन पर धारा 188 के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।